आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अंबेडकर नगर के माफिया खान मुबारक गैंग के शार्प शूटर व बसपा नेता जुगराम मेहंदी और उनके ड्राइवर के दिन दहाड़े हत्या के आरोपी 1 लाख के इनामी बदमाश परवेज को एसटीएफ गोरखपुर की टीम ने मुठभेड़ में मार गिराया। एसटीएफ के एडीजी ने बताया, नेपाल में रहकर घटना को देता था अंजाम, हत्या रंगदारी फिरौती सहित अन्य मामलों में था वांछित। तीसरी पारी में भी कोरोना को हराने के पुख्ता इंतजाम, 98% के करीब पहुंची रिकवरी रेट। गोरखपुर, लखनऊ, सहारनपुर और मेरठ को छोड़ सभी जिलों में सक्रिय कोरोना रोगियों की संख्या 600 के नीचे। यूपी के बाकी जिले सोमवार को आंशिक कोरोना कर्फ्यू से रहेंगे मुक्त। गोरखपुर न्यूज के लिए गिरीश पांडे की रिपोर्ट। ₹10,000 के इनामी बदमाश विजय निषाद को चौरी चौरा पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। देसी तमंचा व जिंदा कारतूस किया बरामद। सीओ चौरी चौरा ने किया खुलासा। मानसून के मद्देनजर जोन 1 के प्रभारी व सिटी मजिस्ट्रेट ने महानगर के छोटे बड़े नालों की सफाई व्यवस्था के साथ इलाहीबाग और डोमिनगढ़ में रेगुलेटर पंप का किया निरीक्षण। कहा, व्यवस्थाओं को रखे चुस्त दुरुस्त, जिससे आवश्यकता पर समय से हो सके जल निकासी। गोरखपुर में रविवार को मिले 26 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 7 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,001। अब तक 771 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 722 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। अवैध कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस चला रही विशेष अभियान, एसपीसीजी ने कहा। शनिवार को 11 लोगों को आबकारी अधिनियम के तहत भेजा गया जेल, आगे भी जारी रहेगी कार्यवाही। प्रधानी के चुनाव की रंजिश में मारपीट व हत्या के प्रयास के आरोप में 7 अभियुक्तों को पीपीगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बाजारों में बढ़ी फलों के राजा आम की आवक, कपूरी और दशहरी आम की खुशबू से भरे बाजार, खरीदार नहीं होने से विक्रेता उदास। और कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य से शासन द्वारा लगाए गए कोरोना आंशिक कर्फ्यू का रविवार को भी मिला आंशिक असर। एसपीसीटी ने कहा, 41 स्थानों पर बैरिकेडिंग कर कराया जा रहा है कर्फ्यू का पालन।